वो किए बगैर आ जाएगा, तुम वैसे ही बहुत प्यारी लगती हो। हिस्ट्री इज अ पास्ट एंड यू आर माय फ्यूचर। अब तुम्हें पहना दिया रिंग, ठीक है, मैं करता हूँ तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं जहर खा लूंगा लेकिन मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अच्छा बात तो सुनो, एक मैं इधर तो आओ बैठो। हे गाइस, दिस इज ओबे अली अहमद। तो गाइस आज की जो मज़ेदार होने वाली है इसलिए क्योंकि आज हम करने वाले हैं निमरा अली के साथ प्रैंक। शुरू में उसको थोड़ा सा इरिटेट करेंगे, उसके बाद उसको प्रपोज करेंगे, देखते हैं उसके क्या रिएक्शन आते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। क्यों आ रही थी तुम अभी भी मत आती थी? एक दो घंटे गुजार लेते, कोई मसला नहीं था। मैं तो खा रही हूँ ना, करो, मैं आ गई, इतनी इमरजेंसी है। मैंने कहा पता नहीं इसको क्या हो गया, मेरा जल्दी आती जल्दी आती, जरूरी बात करनी है। तो यार होती है जरूरी बातें, कुछ जो तुमसे करनी थी मैंने इसलिए तुम्हें बुला लिया। तुम भी सही पहाड़ों अचानक से ऐसे बुलाओगे तो टाइम तो लगेगा, तैयार नहीं होना होता इतना मेकअप खोखना तुम खोखना। भाई देखो, मुझसे मिलने के लिए तुम मेकअप किए बगैर आ जाएगा, तुम वैसे बहुत प्यारी लगती हो। हाँ जरूर कर लेते हैं, जरूरी बात, इतनी भी इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? तुमने कहीं जाना है, वापस जाना है? छोड़ा हूँ बात, अब जाना नहीं है, लेकिन तुमने मुझे कहा था जरूरी बात है, जल्दी आओ। हाँ तो कर लेते हैं जरूरी बात। भाई देखो TCS NNH तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती। और हिस्ट्री में क्या फर्क है? हिस्ट्री इज अ पास्ट एंड यू आर माय फ्यूचर। तुम्हारे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना? मैंने कटिंग करवाई है। आंखें भी अच्छी लग रही हैं। है जितनी तारीफ है मुझे। ये तुम्हारे बालों को मैं टच कर सकता हूँ? तुमने इसलिए बुलाया इतनी दूर से मेरे मुझे चेक करने? कौन से बाल चेक करने का काम, कौन से लग रहे हो बदतमीज? मैं तो बातें मूंछों की कर रहा था ना। ठीक है, गुस्सा मत करो। देखो मैं तुमसे अब खुल के बात करता हूँ, ठीक है? जो असल बात है वो मैं तुमसे ही बात करना चाहता था कि वो तुमने ना बोलो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ठीक है पहले कर लो, फिर मुझसे बात कर लेना। वो ये बात करनी जरूरी है। मैं इतनी जल्दी में आई हूँ, तुम्हें जल्दी जल्दी बात करनी चाहिए, इतना घंटा लगा। नहीं वही कर रहा हूँ मैं, जो तुमने लास्ट टाइम पकोड़े नहीं खाए, तो वो पकोड़े वो कहाँ से लिए थे? पकोड़ों का एड्रेस पूछने के लिए मुझे इतनी दूर बुलाया? नहीं वो यार थोड़ा सा मुझसे हो नहीं रही, थोड़ा कन्फ्यूज हो रहा हूँ, मुझे करनी है तुमसे बात लेकिन हो नहीं पा रही मुझसे। कैसी क्या हो गया तुम? मुझे अली नहीं लग रहे, श्रीलंका जाके बदल गई अली। देखो मैं तुमने मुझे कहा था ना कि तुम अपना नाम नहीं बदलना चाहती, अपना सरनेम जो है तुम्हारा, हम तुम चाहती हो कि हमेशा लगा रहे। ऑब्वियसली मुझे मेरा नाम बहुत शौक है। हाँ, उसका ना मैंने एक हल ढूंढा है। तुमने कब से मेरे लिए हल ढूंढने शुरू कर दिए? बस है कुछ जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ लेकिन कह नहीं पा रहा, तो मैंने उसका एक हल ढूंढा। तुम ना ऐसा करना कि अपना जो आईडी है ना वो हमेशा अपने पास रखना शादी के बाद भी, तो नाम तुम्हारा सेम उसी आईडी का लिखा हुआ रहेगा। जिससे शादी होगी सरनेम भी फिर उसी का लगेगा ना, पैसा होगा कि? लेकिन उसका भी हल है ना मेरे पास। तुमने मुझे मेरे हल के लिए बुलाया या फिर अपने काम के लिए बुलाया? दोनों तुम्हारा हल भी और मेरा काम भी। मेरा हल बात नहीं करता, तुम अपना नाम बोलो मेरा। हाँ ठीक है, तुम्हारा जो नाम है ना तुम नहीं बदलना चाहती, तो उसका मैंने एक हल ढूंढा। देखो हाँ, निमरा के आगे रिंग लगा दो, निमरा रिंग, ये हल है इसका। अबे नहीं यार दिखाओ एक मिनट, तुम्हें अपना हाथ दिखाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। जब मैंने अब तुम्हें पहना दिया रिंग, ठीक है, मैं करता हूँ तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार, और तुम्हारे नाम के आगे अब निमरा अली ही रहेगा क्योंकि मेरा नाम अली। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। एक्सक्यूज मी, कैसे होश आवाज में क्या अजीब अजीब सी बातें कर रहे हो, बहकी बहकी सी। क्या मतलब एक एक है तुम लोग तारी क्यों? ठीक है भाई, तुम्हारे पास बहुत बंदियां हैं, बहुत लाइन से मार। बंदियां नहीं है मेरे पास, मैं तुमने कभी देखा मुझे किसी के साथ?
लेकिन अगर तो ये मजाक है ना तो मजाकिया तक तो ठीक है, सीरियस होने की जरूरत नहीं है। ये रिंग रिंग पास है, खाओ, इतनी दूर आए मुझे खिलाओ भाई, इतनी दूर मेहमान आते हैं उसको खाने के लिए कुछ पूछते हैं, रिंग खाओ भाई, तंदूरी चिकन लाके ठूसे उसके मुंह में। अबे इधर पर्सनल बात चल रही, लाके खाएंगे, सब खाएंगे, मैंने पूरा खाएंगे, लेकिन मेरी बात तो सुनो, तुमने ऐसे उतार के फेंक दिया। मैंने फेंकी नहीं है, मैंने इसको रखा है कि जिसके लिए तुमने लिया उसको पहनाना। तो उसी को पहनाई है ना मैंने, तुमने वापस कर दिया। अरे मुझे पता है तुम मजाक कर रहे हो, तो खाना ही खाते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या? अभी से नहीं करता, मैं बहुत टाइम से करता हूँ, मैं बस बता नहीं पा रहा था अपनी फीलिंग्स। आज तुम मेरे सामने है तो मैंने सोचा मैं तुम्हें बता दूँ। अरे तुम क्या बातें कर रहे हो, पागल हो गए हो, दिमाग ठीक है घर से? क्या मिर्जा गालिब की किताब खा कर आए हो? देखो मेरी बात सुनो, हमें हमारी दोस्ती को कितना टाइम हो गया, तकरीबन 4-5 साल हो गए ऐसे ही, 4-5 साल से एक हमारी अच्छी दोस्ती है। तो मैं इस दोस्ती को एक नाम देना चाहता हूँ, मोहब्बत का, निकाह का। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग ठीक है? फजूल में क्या, 4 साल की दोस्ती है, 4 सालों में मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा, तो अचानक से क्या रिंग देकर मुझे ये सोचने पर मजबूर करोगे कि मैं तुमसे प्यार करूँ? यार देखो मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मुझसे प्यार करो, ये तुम्हारा मैटर नहीं है, लेकिन मुझे तुमसे प्यार है। मैं अपने अपनी शेयर करूं, देखो मेरी बात सुन लो, अगर तो हम लोग ये रिलेशनशिप में आ जाएंगे ना, निब्बा निब्बी, मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, आई लव यू, फ्ला फ्ला फ्ला, तो ये वैसे नहीं हो पाएगा। और ना ही मुझे चीज़ों का शौक है, और मैं नहीं चाहती कि इस फजूल के। यार तुम क्यों नहीं समझ रही मेरी बात? देखो मैं सीरियस हूँ, तुम मेरी बात नहीं समझ रही। मैं तुमसे करता हूँ प्यार, ठीक है? और मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स बता रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो मैं भी अपनी फीलिंग्स बता रही हूँ कि मैं प्यार नहीं करती, मैं तुम्हें अपना एक अच्छा दोस्त समझती हूँ, इसके अलावा मैंने तुम्हें कभी किसी दूसरी निगाह से देखा ही नहीं। हर बंदा मुझे रिजेक्ट करता है, लेकिन मैं तुमसे मुझे बहुत उम्मीद थी। और अरे मैं रिजेक्ट नहीं कर रही, मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि मैं नहीं चाहती कि हमारी दोस्ती किसी भी किस्म के इस रिलेशन की वजह से ख़राब हो। यार दोस्ती रहेगी नहीं हमारी। क्यों नहीं रहेगी, तुम्हारा दिमाग ठीक है? यार मैं करता हूँ तुमसे, खाना शाना खाया तो तुम्हें रिएक्ट कर गया, वो भी तुम्हारे सीधा दिमाग। मैं करता हूँ तुमसे प्यार, ठीक है? और अगर प्यार रहेगा तो पिया तो प्यार रहेगा, दोस्ती रहेगी, ऐसा नहीं होता। नहीं मैं देखो इतने टाइम से हम साथ हैं तो फीलिंग्स आ जाती है इंसान के दिल में, ठीक है? मेरे दिल में ना कोई फीलिंग्स नहीं आ रही, और ना ही मैं चाहती हूँ कि वो आए। लेकिन मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ कि हम लोग अच्छे दोस्त हैं, और अच्छे दोस्त मैं चाहती हूँ आगे भी अच्छा दोस्त ऐसे। मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी लड़की ढूंढूंगी। मुझे लड़की कोई नहीं चाहिए तुम्हारे लिए, मुझे तुम चाहिए। अगर कोई और लड़की चाहिए तो मैं आज तुम्हारे साथ ना होता यहाँ पर, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आया सिर्फ तुम्हारे लिए, मैं तुमसे मिल सकूँ। मैं कल वापस आऊँ पाकिस्तान और आती तुमसे मिलूँगा, तो ऐसा मत करो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, और तुम मेरी फीलिंग्स का मजाक मत बनाओ। मैं कोई मजाक नहीं बना रही, लिटरली मैं यही कहूँगी कि मैं तुम्हें सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त समझती हूँ, और ना ही मैं इस रिलेशनशिप के लिए रेडी हूँ। तुम गलत कर रही हो निम्रा, ठीक है? अब तुम्हारा हो गया ना, मैंने कह दिया ना, मैं नहीं चाहती कि हम लोग ऐसे टाइम पास वाले रिलेशनशिप में आए। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अरे शादी करना चाहती हूँ, मुझे अपना भी करियर बनाना है। तुम्हें भी यही एडवाइस करूँगी कि तुम भी अपना करियर की तरफ फोकस हो। ये क्या फजूल की मेरी बात सुनो, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है? हर कोई मानता है कि हम दोनों दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो यार तो हमारी जोड़ी भी अच्छी है, साथ काम किया है, तो लोगों का ये ओपिनियन है कि हम साथ ही रहते हैं। तो लोगों के कहने पर कि अब तुम मेरे से शादी कर लो। लेकिन मेरी जो फीलिंग है, मेरा दिल जो कह रहा है, कहां से आई ये फीलिंग? 4 सालों में तो आज तक नहीं आई, अचानक से कैसे आ गई? मैं अपना हाथ काट लूंगा निम्रा, मैं बता रहा हूँ, मैं अपना हाथ काट नहीं, तुम मुझे छोड़ पीछे छुरी सीधी कर लो, छुरी वो है। यार तुम्हें हर चीज मजाक लग रही, मैं सच में मजाक नहीं कर रही, मैं बहुत सीरियस हूँ, और इस बात को ज़्यादा सीरियस लेने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है? मैं तुम्हें एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, हमेशा ये कहूँगी कि मैं तुम्हें सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त समझती हूँ, फजूल में इस रिलेशनशिप को आगे मत बढ़ाओ। निम्रा तुम नहीं समझ रही मेरी फीलिंग्स, बिल्कुल भी नहीं समझ रही। मैं ऐसा नहीं रह सकता, ना मैं सिर्फ दोस्ती में रह सकता हूँ, मुझे तुम चाहिए हर हाल में चाहिए। मैं अपने घर पर अम्मी को बता के आया था कि मैं आज जा रहा हूँ निम्रा को प्रपोज करने के लिए, ठीक है? उनको मैं जाके क्या जवाब दूँगा? जब हम दो हैं तो हमें चार होने की क्या जरूरत है? अभी अगर तुमने एक और बार कुछ ऐसी बात की ना तो मैं यहाँ से उठ के चल जाऊंगा। यार तुम चाहती हो कि मैं नहीं चाहती कि हमारी दोस्ती जो है वो स्टूपिड रिलेशनशिप की वजह से खराब हो। हमारी दोस्ती रहेगी भी नहीं अगर कुछ नहीं हुआ। देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुमसे शादी करनी है। अरे मुझे नहीं करनी शादी, अभी मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नहीं। मैं जहर खा लूँगा, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं जहर खा के मर जाऊँगा। अभी तुम ठीक नहीं हो, पहले तुम ठंडे दिमाग से बैठ कर सोचो कि ठंडा क्या है और क्या नहीं, और मैं अपनी दोस्ती खराब होने से निम्रा ऐसे तुम डिजर्व करती हो। नहीं नहीं
अच्छा बात तो सुनो, एक मिनट इधर आओ, इधर इधर तो आओ बैठो, इधर एक मिनट। अच्छा बैठो, अच्छा बैठो ना, क्या हुआ? तुम बैठो इधर, एक मिनट बैठो। क्या हुआ? मैं नहीं चाहती कि हम लोगों की दोस्ती खराब हो सिर्फ इस रिलेशनशिप की वजह से, नहीं तो मैं कैसे समझाऊं? मैं नहीं, रोने की बात है, मुझे रोना आ रहा है, क्योंकि तुम अगर मैं तुम हाँ नहीं करूँगी तो तुम दोस्ती खराब कर लोगे। ठीक है, वो तो बात ठीक है अब, लेकिन एक और बात भी तो है ना कि मुझे ना वैसे ही काफ़ी दिनों बाद मेरे तो मेरा दिल करता मजाक कर लूँ थोड़ा सा, तो देखो शादी होती मैं भी तुमसे क्यों नहीं करने वाला, तुम भी मुंह धो लो, एक गोटे जैसा निकलेगा मुंह, जाओ धो के आओ। तो वो उधर देख के ना गुस्सा नहीं करना, उनकी तरफ भी प्यार ही करना तुमने उधर देख के, तो उनको बोल दो जरा जो अब तो बन गई वीडियो, तो लाइक भी करते, सब्सक्राइब भी करते, शेयर भी करते। हाँ हाँ मान रही है, मतलब दिल में कुछ है, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।